डॉन 3 कब रिलीज होगी और डॉन 3 में क्या शाहरुख खान को कोई सुपरस्टार रिप्लेस कर सकता है और डॉन 3 की कहानी इस बार किस प्रकार की होगी। क्या फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह यानी कि शाहरुख खान की कुर्सी खतरे में है? क्या किसी की पैनी नजर किंग खान के किंगडम पर है? जरा सोचिए, किंग खान के किंगडम में अपने पंजों से झपट्टा मारने वाला आखिर कौन हो सकता है? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में हम देंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के किंगडम में सेंध लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में एक खबर आग की तरह फैल रही है और ये खबर है शाहरुख खान के किंगडम में किसी ने सेंध मारी की है। कौन है जिसने शाहरुख खान की सुपर फ्रेंचाइजी फिल्म डॉन 3 को उनके सामने से झपट लेने की कोशिश की है? शाहरुख के हलक में हाथ डालकर उनका निवाला छीनने वाला शख्स कौन हो सकता है? इन दिनों शाहरुख खान और फरहान अख्तर की सुपरहिट फिल्म डॉन 3 के बनने की खबर जोर शोर से आ रही है। डॉन के निर्माता ने बातचीत में कहा था कि इन दोनों फिल्म की कहानी पर काम कर रहा हूं, जैसे ही स्क्रिप्ट पूरी तरह तैयार हो जाएगी फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी जाएगी। अब खबर आ रही है कि डॉन 3 में शाहरुख खान की जगह किसी और को कास्ट किया जा सकता है, परंतु ये खबर कितनी सच है ये आपको इस वीडियो के आखिरी में पता चलेगा। अगर फिल्मी अफवाहों की बात माने तो डॉन 3 में शाहरुख खान की जगह रणवीर सिंह को फाइनल किया गया है। अगर डॉन 3 में शाहरुख खान की जगह रणवीर सिंह की कास्टिंग की खबर सच साबित होती है तो वो दिन दूर नहीं जब बादशाह की कुर्सी पर रणवीर अपना हक जमा बैठेंगे। वैसे अब तक डॉन 3 में शाहरुख खान को रिप्लेस करने को लेकर ना तो शाहरुख की और ना ही कोई फरहान अख्तर ने बयान दिया है, इसलिए कहा जा सकता है कि कल का छोरा बादशाह की कुर्सी पर बैठने की हिम्मत कैसे कर सकता है। वैसे फरहान अख्तर और डॉन के निर्माता रितेश सिद्धवानी का रिश्ता रणवीर सिंह के साथ बहुत गहरा है। रणवीर की सुपरहिट फिल्म गली बॉय के निर्माता भी रितेश सिद्धवानी ही थे। फरहान अख्तर और उनके परिवार के साथ रणवीर की नजदीकियां जग जाहिर हैं। इस तरह की खबर पर सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। अगर रणवीर ने शाहरुख को रिप्लेस नहीं किया तो यह भी संभव है कि डॉन के तीसरे भाग में शाहरुख खान के साथ साथ रणवीर को भी कास्ट किया गया हो, तो चौंकिएगा नहीं, ऐसा हो सकता है। वैसे शाहरुख खुद भी मानते हैं कि डॉन को रिप्लेस करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो अब यह देखना है कि शाहरुख खान डॉन 3 की शूटिंग कब से शुरू करने वाले हैं। इस पर अभी तक शाहरुख खान ने चुप्पी नहीं तोड़ी है, लेकिन बहुत जल्द ही शाहरुख खान इस बात का खुलासा कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको डॉन 3 से जुड़ी हुई और कौन सी खबर चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।